नमस्कार दोस्तों, मैं सारथी आपका स्वागत करता हूँ माइंड ब्लोइंग पर्टिकुलर्स में। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मुझे नहीं लगता है कि आपको पता होगा, तो चलिए शुरू करते हैं। आज़ादी से पहले दक्षिण भारत में एक रियासत थी त्रावणकोर। 1719 से 1949 तक वजूद में रही इस रियासत का विस्तार केरल से तमिलनाडु के कई हिस्सों तक था। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर भी इसी रियासत का हिस्सा है। इस त्रावणकोर रियासत में एक रिवाज था जिसमें अपने से कथित ऊंची जाति के लोगों को सम्मान देने के लिए शरीर का ऊपरी हिस्सा खुला रखना पड़ता था। स्त्री और पुरुष दोनों ही इस नियम का पालन करते थे। ये फूहड़ नियम सब जाति की स्त्रियों पर लागू होता था, लेकिन वर्ण व्यवस्था के पायदान पर सबसे नीचे होने के चलते दलित महिलाएं सबसे ज़्यादा इसका शिकार हुईं। नादर समुदाय ने इस नियम का विरोध किया, इसीलिए इस परंपरा को सबसे ज़्यादा उनके साथ जोड़कर याद किया जाता है। नादर एक समुदाय है जिसमें कई जातियां शामिल हैं। ये लोग त्रावणकोर रियासत में नायर जमींदारों के यहाँ मजदूरी करते थे। नादर लोगों को छाते का इस्तेमाल करने और सोने के गहने पहनने की इजाज़त नहीं थी। हालांकि यह नियम ब्राह्मण औरतों पर भी लागू था, पर दलितों पर आँच ज़्यादा आती थी। परंपरा के मुताबिक नादर महिलाओं को हर समय सवर्णों के सम्मान में अपने वक्षों को बिना ढके हुए रहना होता था। वहीं त्रावणकोर की दूसरी जातियों की महिलाएँ भी इसकी शिकार थीं। खुद नायर महिलाएं ब्राह्मणों के सामने कपड़े नहीं पहन सकती थी। क्षत्रिय और ब्राह्मण जाति की आम स्त्रियां जब घर से बाहर बाजार आदि के लिए निकलती थीं, तब वह अपना शरीर ढक सकती थी, लेकिन घर और मंदिर में उन्हें भी राज परिवार वालों के सम्मान में अपने स्तन दिखाने पड़ते थे। मंदिर के अंदर जाने पर हर स्त्री को पुरोहित के सामने अर्धनग्न होना पड़ता था। पुरोहित एक लंबी लाठी के सिरे पर चाकू बांध कर रखते थे। अगर कोई स्त्री पूरे कपड़े पहने होती थी तो पुरोहित उसके कपड़े फाड़ देता था। पिछड़ी जाति की महिला के ऐसा करने पर अक्सर उनके कपड़े फाड़ कर पेड़ से लटका दिया जाता था, ताकि और महिलाएं दोबारा वैसा करने की हिम्मत ना करें। रियासत के महाराज जब कभी रास्तों से गुजरते थे तो सारी कुंवारी लड़कियाँ आधे कपड़े उतार कर फूल बरसाती थीं। हालांकि कुछ जगहों पर स्त्रियां टैक्स देकर अपने स्तन ढक सकती थीं, लेकिन इस टैक्स का सबसे शर्मनाक पहलू ये था कि ये टैक्स महिलाओं के स्तनों के आकार के अनुपात में लिया जाता था। यानी कि यदि स्तन का आकार छोटा है तो टैक्स कम लगता था, और यदि स्तन का आकार बड़ा है तो टैक्स ज़्यादा देना होता था। ऐसा नहीं था कि इस शोषण के लिए सिर्फ पुरुष ही जिम्मेदार हों। राज परिवार की स्त्रियों ने भी इस प्रथा का इस्तेमाल नीचे समुदाय की महिलाओं के खिलाफ खूब किया। एक कहानी मिलती है जब एक कथित नीची जाति के महिला के स्तन ढकने पर रानी अतिंगल ने उसके स्तन कटवा दिए। नादरों के विरोध तथा अंग्रेजों के हस्तक्षेप की वजह से ये प्रथा खत्म हो गई, लेकिन जब तक ये प्रथा थी न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद हो गईं। तो दोस्तों, ये कहानी सुन के आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।